हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने नए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को अब और भी आसान कर दिया है। HPSEBL के पोर्टल पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के एप्लीकेशन फॉर्म को आप आसानी से स्मार्टफोन या कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के इंटरफेस को मॉडिफाई कर दिया गया है। HPSEBL के पोर्टल पर ऑनलाइन न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। यहां आप नए डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें चेक कर सकते हैं। नए कनेक्शन के लिए टैरिफ कैटेगरी और डिटेल्स ऑफ चार्जेस भी आप चेक कर सकते हैं। नए कनेक्शन के लिए ANA फॉर्म डाउनलोड करें। ANA फॉर्म में लास्ट 2 पेजेस टेस्ट रिपोर्ट है जिसे वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर को भरना है। गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन को आपने पढ़ लिया है, इसके लिए चेकबॉक्स मार्क करें। अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। एप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करें। जनरली डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए कनेक्टेड लोड 20 किलोवाट सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अंडर डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट पर्पस ऑफ कनेक्शन में टाइप ऑफ कनेक्शन सेलेक्ट करें। कैटेगरी ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। सब कैटेगरी सेलेक्ट करें। यहाँ आप सारी कैटेगरीज चेक कर सकते हैं जिसके अंडर आप डोमेस्टिक कनेक्शन लेना चाहते हैं। कंज्यूमर टाइप सेलेक्ट करें। अंडर एप्लीकेंट्स इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट के लिए टाइटल सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करें। एप्लीकेंट के फादर या गार्डियन का फुल नेम टाइप करें। एप्लीकेंट का आधार नंबर टाइप करें। अगर एप्लीकेंट BPL कंज्यूमर है तो यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो। एप्लीकेंट का पैन नंबर टाइप करें, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें जो ईयर्स में ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर लैंडलाइन नंबर है तो टाइप करें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। अपनी एक्टिव ईमेल आईडी टाइप करें। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपनी मेल पर भी रिसीव करेंगे, इसलिए एक्टिव और करेक्ट ईमेल आईडी टाइप करें। अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर टाइप करें और सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ओटीपी टाइप करें, ओटीपी वेरीफाई करें। अंडर एड्रेस इंफॉर्मेशन अपनी लोकेलिटी सेलेक्ट करें। अगर हाउस, फ्लोर, फ्लैट या सेट नंबर है तो उसे टाइप करें। बिल्डिंग नेम या नंबर टाइप करें। सेक्टर, कॉलोनी, स्ट्रीट नेम या नंबर टाइप करें। सिटी, टाउन या विलेज टाइप करें। अपना लैंडमार्क टाइप करें। अगर आपका रेजिडेंशियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंडर है तो यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो। अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और पिन कोड टाइप करें। अपने एरिया का HPSEBL सब डिवीजन सेलेक्ट करें। अगर आप अपने प्रेमिसेस का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं जैसे नंबर ऑफ रूम्स, फ्लोर्स एटसेट्रा तो टाइप करें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। विटनेस कंज्यूमर आईडी टाइप करें। आप अपने किसी पड़ोसी से इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं और उनकी परमिशन से बिल में मेंशन कंज्यूमर आईडी को एज अ विटनेस कंज्यूमर आईडी यूज कर सकते हैं। स्टेप 2 पर क्लिक करें। अंडर कनेक्शन एंड लोड डिटेल्स लोड आइटम सेलेक्ट करें। आप लोड आइटम्स वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जैसे पावर सॉकेट, लाइट पॉइंट, वॉल सॉकेट, फैन पॉइंट एटसेट्रा। अंडर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड एंड टैरिफ डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट डिमांड आपकी सेलेक्ट की गई लोड आइटम्स के अकॉर्डिंग प्रीफिल्ड रहेगी और टैरिफ कैटेगरी डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए डोमेस्टिक सप्लाई रहेगी। सप्लाई वोल्टेज टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें। अंडर वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर डिटेल्स वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर का नाम टाइप करें। कॉन्ट्रैक्टर की लाइसेंस क्लास सेलेक्ट करें और लाइसेंस नंबर टाइप करें। वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस की वैलिडिटी सेलेक्ट करें। अंडर एडिशनल डिटेल्स जिस दिन आप कनेक्शन इंस्टॉल करवाना चाहते हैं उस डेट को सेलेक्ट करें। स्टेप 3 पर क्लिक करें।
अंडर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, साइज 1 मेगाबाइट से नीचे हो, सेल डीड या लीज डीड के पीडीएफ का साइज 5 मेगाबाइट तक मैक्सिमम हो सकता है, कंज्यूमर के सिग्नेचर जेपेग या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करें, साइज 20 किलोबाइट से कम हो और इमेज का रेजोल्यूशन 160x60 पिक्सल्स हो, जिसके लिए आप ऑनलाइन इमेज रिसाइजर की हेल्प ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर की टेस्ट रिपोर्ट ब्राउज करें और अपलोड करें, क्रॉस नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रुपीज या उससे ऊपर ANA फॉर्म के साथ मर्ज करके अपलोड करें, एप्लीकेंट का फोटो आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करें, आप आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड में से कोई एक प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ ऑनरशिप ऑन ऑक्यूपेंसी में आप लैंड के रेवेन्यू पेपर्स या जमाबंदी अपलोड करेंगे। आप सेल डीड, लीज डीड या एप्लीकेंट के फेवर में उस जगह के लिए ऑनरशिप या पोजीशन का कोई एक डॉक्यूमेंट जहां डोमेस्टिक कनेक्शन इंस्टॉल करवाना चाहते हैं अपलोड करें। सिलेक्शन लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेंट के सिग्नेचर की स्कैन इमेज जेपेग या पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करें। मेक श्योर साइज 20 किलोबाइट से नीचे हो और रेजोल्यूशन 160x60 पिक्सल्स हो। इसके लिए आप इमेज रिसाइजर की हेल्प ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी दी गई डिटेल्स चेक करें और अगर कोई मिस्टेक है तो करेक्ट करें और सबमिट पर क्लिक करें। आपकी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अपनी कंज्यूमर आईडी और सर्विस ऑर्डर नंबर को नोट कर लें। क्लिक हेयर पर क्लिक करके ANA फॉर्म की कॉपी डाउनलोड करें। ANA फॉर्म की कॉपी आप दिए गए ईमेल एड्रेस पर भी रिसीव करेंगे। आप ANA फॉर्म को प्रिंट करके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी के साथ अपने कंसर्न्ड HPSCBL सब डिवीजन में दे सकते हैं और न्यू कनेक्शन पेमेंट HPSCBL सब डिवीजन काउंटर पर या फिर ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इस तरह से आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।